वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम ब्रेसलेट बनाना सीखेंगे। और इसके लिए यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल लिया है। तो यहाँ पर मैंने धागा लिया है वाइट कलर का, एंड हुक लिया है सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर की जंप रिंग ली है, सिल्वर कलर की स्टोन चेन ली है। और सबसे पहले स्टोन चेन को हम हमारे हाथों से नाप लेंगे। ये जो मिडिल फिंगर है तो यहाँ पर हम स्टोन चेन को रखेंगे और फिंगर के हिसाब से इसको नाप लेंगे इतना। और इसको हम कलाई तक भी नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हम इसको धागे से अटैच करेंगे, इससे सबसे पहले हम इनको नापेंगे। तो जो हमने फिंगर वाला पार्ट नापा था, सबसे पहले उसको हम धागे से बंद करेंगे। तो हम इतना पार्ट लेंगे फिंगर वाला और इसको हम धागे से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम वाइट वाला धागा लेंगे और उसको दोनों चेन में लपेटेंगे। उसके बाद हम उसमें दो नोट लगा देंगे, जिससे जो स्टोन चेन है वो आपस में जुड़ जाएगी। एंड देखिए जो फिंगर वाला पार्ट है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसमें कलर वाला पार्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो फिंगर हमने रेडी की थी, और हम बीच में थोड़ा सा इसमें ग्लू भी लगा देंगे, फैब्रिक ग्लू। अब जैसे कि फिंगर वाला पार्ट रेडी हो गया है, तो यहाँ तक हम चेन को रखेंगे और इधर हम चेन को इस तरह से नापेंगे। और अब जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, जिसको मैंने पकड़ कर रखा है, अब इसको हम धागे से बांधेंगे। इसको पहले निकालेंगे, फिर इतना इतना हम धागे से इसको नापेंगे, सॉरी धागे से इसको हम बांध देंगे। अगर आपके पास सिल्वर कलर का धागा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने वाइट कलर का धागा यूज़ किया है। और अभी जो काले वाला पार्ट है, तो चेन को हम साथ में रखेंगे और जो धागा है, धागे से इन दोनों को हम अटैच कर देंगे, जिस तरह से हमने फिंगर वाला पार्ट किया था उसी तरह से। एंड देखिए जो नीचे वाला पार्ट है, ये तो चेन है इसमें, तो इसको हम बीच में से कट कर देंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है तो इसमें हम एंड हुक लगाएंगे, जंप रिंग लगाएंगे, इसलिए। एंड देखिए इस तरह से इसका नीचे वाला पार्ट रेडी हो गया है। मतलब हमने जो नोट लगाई थी उस धागे में, तो वो तो साथ में हो गई, बट जो उसका नीचे वाला पार्ट है उसको हम अलग अलग कर देंगे, क्योंकि उससे हम ब्रेसलेट पहनेंगे, तो इसलिए हमने उनको अलग कर दिया है। इसके बाद अभी जो नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम जंप रिंग भी लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हमको जगह चाहिए होगी। और यहाँ पर मैंने चेन ली है और छोटी जंप रिंग और ली है। और यहाँ पर हम लूम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम दोनों जो चेन है, मतलब चेन जो है इसको मोड़ देंगे, उसको लूम बना लेंगे और वापस से धागा लेंगे और धागे से उसका जो मुँह है उसको बंद कर देंगे। इस तरह से लूम रेडी हो जाएगा, जिसमें हम जंप रिंग को लगा सकते हैं।
इसी तरह से मैंने उधर वाले पार्ट पे भी लूम बना लिया है, उसमें मैं जंप रिंग लगाऊंगी। जंप रिंग के अंदर हम चेन को भी लगा देंगे और जो जंप रिंग है उसका मुंह हम बंद कर देंगे। इसी तरह से उसमें चेन ऐड हो गई है। इसके बाद हम चेन में छोटी वाली जंप रिंग और लगा देंगे और जो एंड हुक है, एंड हुक को हम उधर वाले पार्ट पर लगा देंगे। इसी तरह से हमारा जो ब्रेसलेट है वो रेडी हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियोस और देखनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय।